हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजी वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो का कंप्लीट कंपैरिजन कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 के साथ। सबसे पहले अगर हम यह दोनों के कैमरे की बात करें तो दोनों में ही आपको रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, लेकिन अलग अलग तरह का कैमरा सेटअप यहाँ पे लगाया गया है। सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको 13+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसमें 13 MP का प्राइमरी सेंसर है और 5 MP का वाइड एंगल लेंस है। जबकि रेडमी नोट 5 प्रो में आपको 12+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसमें 12 MP का प्राइमरी सेंसर है और 5 MP का डेप्थ कैमरा है, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है पोर्ट्रेट मोड में इमेजेस कैप्चर करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मैक्रो शॉट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट्स के मैक्रो शॉट कैप्चर किए हैं। कुछ ऐसी इमेजेस हमें मिली जहाँ दोनों ही परफेक्ट इमेजेस कैप्चर कर रहे थे, यानी कलर रिप्रोडक्शन से लेकर डिटेल बहुत अच्छी कैप्चर कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे इमेजेस कैप्चर करते चले गए, हमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता नजर आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है और येलो कलर के ऑब्जेक्ट की इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं मैक्रो शॉट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो कुछ वार्म टोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M20 कंपैरिजन वाइज कुछ कूल टोन में इमेजेस कैप्चर कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे इमेजेस कैप्चर करने लगे तो आप देख सकते हैं यही सिचुएशन जस्ट उल्टी हो गई। जब हम यहाँ पे थोड़े पिंक टोन के फ्लावर को फोकस करके इमेजेस कैप्चर कर रहे थे, तो यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो परफेक्ट कलर रिप्रोडक्शन के साथ इमेज कैप्चर कर रहा था, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M20 यहाँ पे थोड़े वार्म टोन में नजर आ रहा था। हम यहाँ पे कंटिन्यू इमेजेस कैप्चर करते चले गए और हमें कुछ इसी तरह का डिफरेंस देखने को मिल रहा था, यानी कि डायनेमिक रेंज बैलेंस प्राइमरी कैमरे से ज्यादा अच्छे से रेडमी नोट 5 प्रो कर रहा है एज कम्पेयर सैमसंग गैलेक्सी M20। इसके बाद अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड में हमने अलग अलग कंडीशन अलग अलग सिचुएशंस में कंटिन्यू इमेजेस कैप्चर करी है। हमें यहाँ दोनों के बीच में वाइड बैलेंस कंट्रोल में डिफरेंस तो देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस था वो एज डिटेक्शन में था। आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 में एज डिटेक्शन उतना एक्यूरेट नहीं है, यानी कि 10 में से एक ही इमेज में आपको परफेक्ट एज डिटेक्शन देखने को मिलेगा, जबकि 9 इमेजेस में आपको काफी ज्यादा नॉइस देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अलग अलग कंडीशन अलग अलग सिचुएशंस में इमेजेस कैप्चर करी है और लगभग हर एक इमेज में सैमसंग गैलेक्सी M20 में हमें एजेस में नॉइस देखने को मिली, यानी कि काफी रफ एजेस हैं। आपको ये अलग ही पता चल जाएगा कि ये सिंगल कैमरे का यूज करके बैकग्राउंड को ब्लर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि रेडमी नोट 5 प्रो में आपको परफेक्ट एज डिटेक्शन के साथ पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको रेडमी नोट 5 प्रो में नॉइस देखने को मिलेगी, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको बहुत ही रेयर कंडीशन में परफेक्ट पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा के साथ। अगर हम यहाँ दोनों के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों में ही आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगे मिल रहे हैं, जिसमें रेडमी नोट 5 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 636 लगा मिल रहा है, जिसमें 4 कोर 1.61 गीगाहर्ट्ज़ की हैं और 4 कोर 1.80 गीगाहर्ट्ज़ की हैं, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको X97904 प्रोसेसर लगा मिल रहा है, जिसमें 6 कोर 1.59 गीगाहर्ट्ज़ की हैं और 2 कोर 1.77 गीगाहर्ट्ज़ की हैं। यानी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दोनों में ही लगभग सिमिलर हार्डवेयर आपको लगा मिल रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ CPU का बेंचमार्क कैलकुलेट करके आपको शो करें तो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्कोर आया उसके सिंगल कोर और मल्टी कोर के स्कोर में माइनर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसमें रेडमी नोट 5 प्रो लीड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बेंचमार्क कैलकुलेट करके आपको शो करें तो यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट दोनों ही सिमिलर तरह से रेंडर कर रहे थे, यानी कि जैसी लैगिंग रेडमी नोट 5 प्रो में हो रही थी, कुछ उसी तरह की लैगिंग और फ्रेमिंग 3D ऑब्जेक्ट को रेंडर करने में सैमसंग गैलेक्सी M20 में हो रही थी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M20 ने यहाँ पे 108,627 के साथ अपना बेंचमार्क कंप्लीट किया है, जबकि रेडमी नोट 5 प्रो ने यहाँ पे 113,928 यानी कि अप्रोक्स 114,000 के साथ अपना बेंचमार्क कंप्लीट किया है। देखा जाए तो यहाँ पे 5,000 से 6,000 के बीच का डिफरेंस है दोनों के बेंचमार्क स्कोर में, जो दोनों के बीच के माइनर हार्डवेयर के डिफरेंस को भी जस्टिफाई कर रहा है। ये तो बात हो गई बेंचमार्क स्कोर की, यानी कि जो वैल्यू शो हो रही है। अब हम यहाँ पे रियल टाइम में टेस्ट परफॉर्म करके देखने वाले हैं कौन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम स्मॉल गेम से लेकर हाई ग्राफिक्स गेम कंटिन्यू ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे टेम्पल रन ओपन किया। टेम्पल रन के लोडिंग टाइम में हमें माइनर डिफरेंस भी देखने को नहीं मिला, दोनों ने एग्जैक्ट सिमिलर टाइम पे इसे लोड लिया। इसके बाद हमने सबवे सर्फर ओपन किया। आप देख सकते हैं सबवे सर्फर के लोडिंग टाइम में माइनर डिफरेंस के साथ रेडमी नोट 5 प्रो ने पहले ओपन कर लिया। जस्ट इसके बाद हमने एक हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जो है एसफॉल्ट 8। अगर हम यहाँ एसफॉल्ट 8 के लोडिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे एक क्लियर विनर है सैमसंग गैलेक्सी M20। ये टेस्ट हमने बहुत बार परफॉर्म किया और हर एक बार कुछ इसी तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा था।
इसके बाद हमने PUBG ओपन किया। अगर हम यहाँ PUBG के लोडिंग टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स दोनों ने फास्ट दिया, लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M20 ने लीड बना ली और पहले ओपन कर लिया। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M20 गेम और एप्स ओपन टाइम में लीड बना के रखा हुआ है कंपेरिजन वाइज रेडमी नोट 5 प्रो। इसके बाद अगर हम यहाँ रीबूट टाइम कैलकुलेट करके आपको शो करें तो आप देख सकते हैं रीबूट टाइम में हमें माइनर डिफरेंस देखने को मिला, यानी बहुत ही माइनर डिफरेंस था। और यहाँ पे Redmi Note 5 Pro ने पहले बूट ले लिया, उसके कुछ मिली सेकंड बाद Samsung Galaxy M20 ने लिया। रीबूट करने के बाद अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड के गेम्स को क्लोज कर दिया, रैम क्लीन कर दी। अब हम यहाँ पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड के एप्स क्लोज करके रैम क्लीन करके जो मैक्सिमम अवेलेबल रैम है आप देख सकते हैं 1.83 GB मैक्सिमम रैम फ्री है Redmi Note 5 Pro में, जब 2.04 GB मैक्सिमम रैम फ्री है सैमसंग गैलेक्सी M20 में। यहाँ पे हम दोनों ही डिवाइस के 4 GB के वेरिएंट यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्मॉल गेम से लेकर हाई ग्राफिक्स गेम कंटिन्यू ओपन करेंगे, जैसे कि टेंपल रन, सबवे सर्फर, एसफॉल्ट 8, पबजी। ये चार गेम्स ओपन करने के बाद अगर हम आपको बैकग्राउंड के गेम्स को फिर से रिज्यूम करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं जितने भी गेम्स अभी हमने ओपन किए थे वो सारे के सारे रिज्यूम हो रहे हैं, रीस्टार्ट नहीं हो रहे हैं। यानी दोनों का रैम मैनेजमेंट अभी तक बहुत अच्छा है। इसके बाद हमने एक और हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जो है कवर फायर। कवर फायर ओपन होने के बाद हमने बैकग्राउंड के गेम्स को फिर से रिज्यूम करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे गेम रिज्यूम हो रहे हैं, कोई भी रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। यानी कि अभी तक हमने 5 गेम ओपन कर लिए हैं, जिसमें 3 हाई ग्राफिक्स गेम है, 2 नॉर्मल गेम है। उसके बाद भी अभी तक रैम दोनों की ही क्लीन नहीं हुई है। फिर हमने यहाँ पे इन्फिनिटी ऊप्स ओपन किया, ये भी एक हाई ग्राफिक्स गेम है जो काफी रैम कंज्यूम करता है। इन्फिनिटी ऊप्स ओपन होने के बाद अगर हम यहाँ आपको बैकग्राउंड के गेम्स को रिज्यूम करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ सबसे पहले एसफॉल्ट 8 को रिज्यूम करने की कोशिश करी, जिसमें Redmi Note 5 Pro में ये रीस्टार्ट हो गया, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M20 में ये रिज्यूम हो रहा है। इसके अलावा जितने भी गेम्स बैकग्राउंड में थे वो सारे के सारे दोनों ही डिवाइस में रिज्यूम हो रहा है। यानी देखा जाए तो यहाँ पे माइनर डिफरेंस है रैम मैनेजमेंट में, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी M20 ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर Redmi Note 5 Pro। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इंटरनेट डाउनलोड स्पीड टेस्ट मेजर करके आपको दिखाएं तो यहाँ पे हम डाउनलोड अपलोड स्पीड टेस्ट मेजर कर रहे हैं नेट वेलोसिटी ऐप का यूज करके। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ बैंड की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों ही 2300 MHz बैंड से कनेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे जो सिम हम यूज कर रहे हैं दोनों ही डिवाइस में वो जियो की सिम है। यानी कि दोनों में ही हमने जियो की सिम लगाई जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड और अपलोड स्पीड में हमें कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन माइनर डिफरेंस के साथ यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M20 लीड बना के रखा हुआ था। आप देख सकते हैं हमने ये टेस्ट बहुत बार परफॉर्म किया और हमें कुछ इसी तरह का माइनर डिफरेंस देखने को मिला, जो अप्रोक्स कुछ KB का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे कुछ इसी तरह का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था अपलोड और डाउनलोड स्पीड में। इसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने प्ले स्टोर से एक गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड में भी हमें कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था, प्ले स्टोर में दोनों में कांटे की टक्कर चल रही थी, और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M20 ने इसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया Redmi Note 5 Pro ने किया। यानी कि इंटरनेट स्पीड में माइनर डिफरेंस के साथ सैमसंग गैलेक्सी M20 हमें आगे लगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें तो दोनों में ही आप हाई ग्राफिक्स गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ही स्मूथली गेम प्ले नहीं होते हैं ये हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पबजी की बात करें तो अगर हम यहाँ आपको सबसे पहले पबजी की ग्राफिक्स सेटिंग्स चेक करा दें तो Redmi Note 5 Pro में आपको मैक्सिमम बैलेंस्ड विद मीडियम फ्रेम रेट तक का ऑप्शन मिल रहा है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको HD विद हाई फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे दोनों ही डिवाइस के गेम प्ले की बात करें तो एसफॉल्ट 8 से लेकर शेडो फाइट 3 और साथ में हमने अदर गेम्स प्ले किए हैं जिनमें इतनी लैगिंग और फ्रेमिंग का इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा था दोनों ही डिवाइस में, लेकिन जब हम पबजी प्ले कर रहे थे तो आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro में तो ये काफी स्मूथ प्ले हो रहा था बैलेंस्ड विद मीडियम फ्रेम रेट में, हमें किसी भी तरह की लैगिंग और फ्रेमिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा था, एम स्लिप नहीं हो रहा था, मल्टीटच प्रॉपर वर्क कर रहा था। अगर हम यहाँ सैमसंग गैलेक्सी M20 की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M20 में हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब हम पबजी प्ले कर रहे थे तो हमें लैगिंग और फ्रेमिंग का इशू देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लैग हो रहा था, फ्रेम हो रहा था, यानी आप स्मूथ गेम प्ले नहीं कर सकते जैसा आपको Redmi Note 5 Pro में मिल रहा है। यहाँ पे हम बैलेंस्ड विद मीडियम फ्रेम रेट में ही गेम प्ले कर रहे थे, दोनों की ग्राफिक सेटिंग सेम करके ही गेम प्ले कर रहे थे, उसके बाद भी सैमसंग गैलेक्सी M20 में हमें कंटिन्यू लैगिंग और फ्रेमिंग का इशू देखने को मिल रहा था। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे आपको बैटरी ड्रेन कैलकुलेट
ओलेड करके दिखाएं। तो यहाँ पे हमने दोनों ही डिवाइस को कंप्लीट चार्ज किया था टेस्ट के स्टार्टिंग में, यानी दोनों को ही साथ में प्लग आउट किया था चार्जर से, 100% बैटरी कैपेसिटी थी। यहाँ पे हमने दोनों की ब्राइटनेस लेवल फुल कर दी थी, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी थी, और दोनों में ही हमने जियो की सिम लगाई थी जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट था, और पूरे टेस्ट के ड्यूरेशन में हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन रखी थी। तो यहाँ पे Redmi Note 5 Pro जिसमें आपको 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है फुल ब्राइटनेस लेवल पे कंटिन्यू गेम प्ले करने के बाद, यहाँ पे जो हमें बैटरी बैकअप मिला है वो है 4 आवर 43 मिनट्स का। 4 आवर 43 मिनट्स तक सर्वाइव किया है Redmi Note 5 Pro ने कंटिन्यू गेमिंग और साथ में टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, जबकि Samsung Galaxy M20 को कंप्लीट डिस्चार्ज होने में, यानी 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी को कंप्लीट डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगा वो है 6 आवर 26 मिनट्स का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है बैटरी कैपेसिटी या बैटरी बैकअप में वो है 1 आवर 43 मिनट का, यानी 1 आवर 43 मिनट का अप्रॉक्स डिफरेंस आया है दोनों के बैटरी बैकअप में हैवी टास्क परफॉर्म करने के बाद। यानी कि यहाँ पे Samsung Galaxy M20 डेफिनेटली आपको आराम से 1 day plus का बैटरी बैकअप दे देगा, और Redmi Note 5 Pro भी आपको आराम से 1 day plus का बैटरी बैकअप दे देगा। इसके साथ साथ हम इसके बाद अगर हम यहाँ चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करके आपको शो करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ दोनों ही डिवाइस को कंप्लीट डिस्चार्ज किया है। अब हम यहाँ पे दोनों को ही चार्ज कर रहे हैं फास्ट चार्जर का यूज करके। Redmi Note 5 Pro के लिए हम Poco F1 का फास्ट चार्जर यूज कर रहे हैं, जबकि Samsung Galaxy M20 में उसके बॉक्स के साथ खुद ही फास्ट चार्जर आया था। यानी कि यहाँ पे हम फास्ट चार्जर का यूज करके ये देखना चाह रहे हैं कि कौन ज्यादा जल्दी चार्ज करता है कंप्लीट 100% बैटरी कैपेसिटी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 mAh का बैटरी कैपेसिटी का डिफरेंस है जो दोनों के चार्जिंग टाइम में भी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। Redmi Note 5 Pro को कंप्लीट चार्ज होने में फास्ट चार्जर का यूज करके जो टाइम लगा वो है 1 आवर 52 मिनट का। 1 आवर 52 मिनट्स में Redmi Note 5 Pro कंप्लीट चार्ज हो गया, जबकि Samsung Galaxy M20 को कंप्लीट चार्ज होने में जो टाइम लगा वो 25 मिनट ज्यादा था Redmi Note 5 Pro से, वो है 2 आवर 17 मिनट्स का। 2 आवर 17 मिनट्स में Samsung Galaxy M20 ने अपने आप को कंप्लीट चार्ज कर लिया, 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी को कंप्लीट चार्ज कर लिया। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का डिफरेंस हमें देखने को मिला। अब आप कमेंट करके ये बताइए आपको किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी, स्पीड के मामले में, कैमरे के मामले में, और साथ में ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको किसकी ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYG World।